हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4, जिसका टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, 3 बेस्ड ऑन रो, 3 बेस्ड ऑन कॉलम। तो उसी पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पिक किया है। हमें दिख सारे ही क्वेश्चंस वैसे फर्स्ट टू सेवेंटीन सारे ही क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि गिवन है हमें यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। वही जो ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने बताई थी, उसे हमें इस गिवन मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दी हुई है। मैंने बताया था या 3 ऑपरेशंस मैंने रो बेस बता दिए थे। तो अगर हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो मैंने बताया था, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिक्स ए में। हम ए को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लीकेशन होती है सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में, तो वो एज इट इज रहती है। लेकिन अगर यही ऑपरेशन हम कॉलम पर लगाते हैं तो मैंने बताया था कि हम पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वी विल यूज ए इज इक्वल टू आई ए। तो स्टार्ट करते कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो हमें गिवन है मैट्रिक्स 1, 2, -1, 3 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0 एंड 1 एंड ए हम ऐसे ही रखेंगे वाला, क्योंकि हमने देखा था वहां पर हमारे इस वाले में नो चेंज होता है, ये वाला ए मैट्रिक्स में नो चेंज। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं और जो रूल हम यहाँ पर, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर लगाते हैं, वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाते हैं। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लगाते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी बनाने के लिए हम 1 होना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी गिवन है 1। अब हमारे काम होता है रो ऑपरेशन अगर हम लगा रहे हैं इसके नीचे 0 बनाना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐसे ही होती है ना। तो हम इसके नीचे क्या प्रीफर करेंगे, इसको 0 बनाना। तो हमें रो 2 में चेंज करना है, इसको 0 बनाना है तो रो 2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, हमें ये 0 बनाना है। तो रो 2 में हम कैसे चेंज करेंगे, अगर हम रो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2R1। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूं रो 1 में और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा ये 0 बन जाएगा। तो देखते हैं अप्लाई करके ऑपरेशन। फर्स्ट रो में नो चेंज, तो हमने एज इट इज लिख लिया। हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट किया तो दिस विल बिकम 0। अब 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एड हो जाएगा, तो 3 + 2 विल बी 5। तो हमारे पास आगे ये मैट्रिसेस और जो रूल हमने इधर अप्लाई किए थे वो इधर मैट्रिसेस में भी करने होंगे। तो हमने 2 की मल्टीप्लाई करके अगर 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और 0 में से कुछ भी चेंज होगा तो वो 1 ही रहेगा एज इट इज। ये आ गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास कैसी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट काम होता है हमारा इसको 1 बनाना। ये वाला टर्म अगर 1 बन जाएगा फिर हमारे काम होगा ऊपर वाले को 0 बनाना। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो अप्लाई करते हैं, क्या करना होगा हमें इसे 1 बनाने के लिए। अगर हम रो 2 में डिवाइड कर दें 5 का, रो 2 में हम किसका डिवाइड कर दें 5 का, तो हमारा ये 1 बन जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, R2 goes to 1/5, जिसको हम बोल सकते हैं 1/5 का मल्टीप्लाई करना। ये हमारी सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थी अगर आप देखेंगे तो। तो हमें क्या करने वाले हैं, 1/5 की मल्टीप्लाई इज इन सेकेंड रो। तो देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्म होता है। 1 - 1, 0 में नो चेंज, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं था तो एज इट इज, और ये बन जाएगा हमारा 1। और जो रूल हमने इधर अप्लाई किया वही सेम रूल इधर होगा, फर्स्ट रो में नो चेंज, सेकेंड रो बन जाएगी -2/5 है 1/5 एंड ए विल बी एज इट इज। तो देखा हमने यहाँ पर भी 1 बन गया। अब हमारा काम है इसको 0 बनाना। वो कैसे बनेगा, रो 1 में चेंज करना पड़ेगा हमें। रो 1 में कैसे चेंज करें, अगर हम रो 1 में जाके रो 2 ऐड कर दें तो हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रो 1 प्लस रो 2 अगर हम करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा चेंजेस।
वन। अब देखो अगर हम रो वन प्लस रो टू आर वन में जीरो ऐड करेंगे तो नो चेंजेस, तो वो वन ही रहेगा, लेकिन हम माइनस वन में जाके प्लस वन ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम जीरो इक्वल्स टू। अब जो रूल्स इधर अप्लाई किया वही सेम रूल हम इधर भी करेंगे। अब वन में अगर ये ऐड करेंगे जाके तो ये बन जाएगा वन माइनस टू बाय फाइव, क्योंकि ये माइनस का था तो वन माइनस टू बाय फाइव एंड दैट विल बिकम जीरो प्लस वन बाय फाइव विल बी वन बाय फाइव एंड सेकेंड रो विल बी सेम माइनस टू बाय फाइव एंड देन वन बाय फाइव ए। तो हमने देखा अभी इसको सॉल्व करके थोड़ा सा लिख सकते हैं ये वाले टर्म को, फाइव माइनस टू विल बी थ्री बाय फाइव, वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव एंड वन बाय फाइव ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ गया हमारा आई। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हमने रूल बताया था अगर ए बी इज इक्वल टू या बी ए इक्वल्स टू आई आ जाता है तो हम बोलते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ए का इनवर्स हम यहां पर क्या बोलेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव वन बाय फाइव एंड वन बाय फाइव, दैट विल बी द आंसर इनवर्स ऑफ ए। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन सेम हैं आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन लेती हूँ मिड से टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का। वैसे तो आप ये सब कर सकते हैं लेकिन मैं एक क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, अगर आपको कॉलम ऑपरेशन अच्छा लगे तो आप कॉलम ऑपरेशन से कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में लिखा आ जाए कि आपको एलिमेंट्री रो ही यूज करना है तो आपको रो ऑपरेशन ही लगाने होंगे। अगर स्पेसिफाई करके आ जाए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करना है तो आपको वही अप्लाई करना होगा। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंडिंग इनवर्स, वी आर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो हम लगा रहे हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये दिया हुआ था, अब सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने बताया था इसको आइडेंटिटी। ए के लिए कॉलम ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए आई। कॉलम ऑपरेशन में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं वो पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने लिखा ए इज इक्वल्स टू ए आई, तो ए मैट्रिक्स इज टू वन फाइव एंड थ्री एंड ए इसमें नो चेंजेस, ये वाली जो ए मैट्रिक्स है इधर की साइड कोई चेंजेस नहीं होगा, जो चेंजेस होंगे वो होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अप्लाई करते हैं कॉलम ऑपरेशंस, तो सबसे पहले हमारा इधर वन होना चाहिए। अब वन के लिए अगर रो होती तो हम इनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते थे, लेकिन हमें रो ऑपरेशन नहीं लगाने, यहाँ पर हमें अप्लाई करने कॉलम ऑपरेशन। तो इसे वन बनाने के लिए अगर मैं सारे में टू से डिवाइड कर दू तो देखते हैं, अगर इसमें टू से डिवाइड किया जाएगा आर वन गोज टू आर वन सॉरी सी वन गोज टू, हम कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं, अभी भी फिर से गलती हो गई थी, हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस कॉलम में अगर हम किससे डिवाइड कर दें C1 goes to C1 by 2 या 1 by 2 की मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है, तो 1 by 2 की मल्टीप्लाई करते कॉलम 1 में तो दैट विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 1 by 2, 5 एंड 3 विल बी सेम क्योंकि हमने जो चेंजेस किया है वो कॉलम 1 में किया है। A also will be same, और इसमें क्या चेंजेस होगा, सेकेंड कॉलम विल बी सेम एंड फर्स्ट कॉलम में वही सेम ऑपरेशन अप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा हाफ यही वाला ऑपरेशन एंड दिस विल बिकम जीरो। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग कॉलम। नेक्स्ट वन तो बन गया, अब हमें जीरो बनाना होता है। रो में हम क्या करते थे, पहले इधर वाला जीरो बनाते थे, लेकिन क्योंकि रो में से इसको सबट्रैक्ट कर लेते थे इसलिए रो ऑपरेशन लगाते थे, लेकिन कॉलम में हम पहले इधर जीरो बनाते हैं, मतलब कि रो ऑपरेशन में जब सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जीरो बनाते हैं सबसे पहले, लेकिन कॉलम में साइड वाइज जीरो बनते हैं। तो हम इधर की साइड जीरो बनाने स्टार्ट करेंगे, तो वन के कॉर्नर पे पहले जीरो बनाएंगे फाइव को, तो अगर हम फाइव की मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमें लगाना पड़ेगा कॉलम टू गोज टू कॉलम टू माइनस 5c1, 5 की मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। 1, 1 by 2 will be same, first column में no changes, 5 की मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे तो that will become zero and this will become 3 minus 5 by 2, और जो चेंजेस किए थे वो इधर भी होंगे सेम, फर्स्ट कॉलम में नो चेंज,
तो एज इट इज लिख लेते हैं। सेकेंड में हमने क्या किया था, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया था, तो दैट विल बिकम माइनस 5/2। जीरो से नो चेंजेस, तो ये हो जाएगा हमारा 1 एज इट इज। तो ये होता है हमारा 1 0। अब हमारा काम है इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखो हम लिख सकते हैं कितना 1/2 0 एंड 6 - 5 विल बी 1/2। तो ये आ रहे हैं हमारे पास दिस वन 0 - 5/2 एंड 1, दिस इज 0। ओके, तो ये है हमारे पास अभी रिजल्ट। अब हमारा काम है इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दू सेकेंड कॉलम में 2 से, अब हमारे पास इसको क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो इसको 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो हमारे ये ऑपरेशन कैसे हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा कॉलम 2 में चेंज करने जा रहे हैं हम। कॉलम 2 में हम किसकी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम नो चेंज 0 और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 1। 0 में कोई चेंजेस नहीं हुए, ए ऑल्सो विल बी सेम, नो चेंजेस इन कॉलम 1। कॉलम 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या रह जाएगा, -5, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 विल बी 2। तो हमारे पास ये आ जाता है। अब बस क्या रह गया, इधर 0 बनाना है, दिस वन। तो हम कॉलम 1 में, यानी कि कॉलम 1 का ही तो एलिमेंट है जिसको 0 बनाना रह गया, तो कॉलम 1 में क्या चेंज करेंगे, अगर हम इसमें हाफ की मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो काम हो जाएगा, तो हाफ सी 2, मतलब कॉलम 2 में हाफ की मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो ये हमारा 0 बन जाएगा 1। अब देखो कॉलम में इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो 1 विल बी 1, और ये बन जाएगा हमारा 0 क्योंकि हमने इसमें हाफ की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, तो दैट विल बिकम 0। और इधर की साइड भी सेम चेंजेस होगा, सेकंड कॉलम में नो चेंजेस, तो पहले मैंने सेकंड कॉलम लिख लिया, फर्स्ट कॉलम में क्या किया मैंने, हाफ माइनस हाफ ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम माइनस किया हाफ ऑफ सेकंड कॉलम, तो माइनस का 5/2 की मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट 0 माइनस, अब किसका मल्टीप्लाई किया था मैंने, हाफ का मल्टीप्लाई किया था, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 - 1। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 एलसीएम, 1 माइनस माइनस प्लस, 6/2 विल बी 3 एंड दिस विल बिकम -5 -1 एंड दिस इज 2। और ये इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं ये आ गया हमारा आंसर, जिसको हम लिख सकते हैं ये ऐसी तो फॉर्मल में AB is equals to I जैसी, मैंने बताया था AB equals to I हो जाए या BA equals to I हो जाए, तो B is called inverse of A। तो यहां से हम बोल सकते हैं A का इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये जो मैट्रिक्स आई है दिस इज द इनवर्स ऑफ A, दैट इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12th। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 12, वैसे तो सेम है लेकिन इसमें कुछ स्पेशल आने वाला है, तो देखते हैं क्या चीज। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, हम अप्लाई करते हैं, सपोज कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, रो और कॉलम। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ रो ऑपरेशन। तो एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आई है, इसलिए मैंने प्री मल्टीप्लीकेशन किया। A मैट्रिक्स इज गिवन है 6 - 2 - 3 एंड 1 and identity matrix is 1 0 0 and 1, and तो यहाँ पर है हमारे पास ये matrices। अब हम कैसे check करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, row operation या जो भी operation लगा रहे हैं, हमारा काम होता है यहाँ पर 1 बनाना। तो अगर हम 6 से divide कर दे तो हमारा 1 बन जाएगा, तो हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर operation R1 goes to R1 by 6, या फिर हम मल्टीप्लाई 1/6 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। तो अगर हम करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 3/6, मतलब 1/2 माइनस का 1/2। और सेकेंड रो में नो चेंजेस एज इट इज, तो जो चेंजेस हम ले रहे हैं वही सेम इधर भी करेंगे। हमने क्या किया था, 6 से डिवाइड किया था, तो दैट विल बिकम 1/6, 0 में नो चेंजेस, तो 0 1 8।
तो आ गया हमारा ये टर्म। अब वन के बाद हम क्या करते हैं रो में, इधर जीरो बनाते हैं उसके नीचे। तो अगर नीचे जीरो बनाएंगे तो रो टू में क्या चेंजेस करेंगे, रो टू गोज टू रो टू प्लस टू आर वन। प्लस क्यों किया मैंने, अगर टू अगर इसमें ऐड हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, रो वन में टू की मल्टीप्लाई किया और इसमें जाके ऐड कर दिया रो टू में। तो रो वन में नो चेंजेस, तो एज इट इज रहेगी वो, और इसमें टू का मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम जीरो। टू का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो दैट विल बिकम माइनस वन। इसमें ऐड करेंगे तो देखो ये भी जीरो हो गया। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेम पहले इधर भी अप्लाई करते हैं, मैं बताती हूँ फिर ये क्या हुआ है। वन बाय सिक्स, रो वन में नो चेंजेस तो एज इट इज हमने क्या किया था, इसमें टू की मल्टीप्लाई करके इधर ऐड किया था। तो टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम वन बाई थ्री। वन बाई थ्री एड करोगे तो वन बाई थ्री। जीरो से नो चेंजेस तो ये एज इट इज रहेगा ए। अब देखते हैं, अब हमारे पास थर्ड वर्क। अब जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हमारा काम होता है इधर वन बनाना। अब इधर तो ये पूरी रो जीरो हो गई है, वन कैसे बनेगा, वन तो बन ही नहीं सकता ना। तो जब कभी भी ऐसा कोई केस आ जाता है कि पूरा रो जीरो हो गया या पूरा कॉलम जीरो हो रहा है एक या उससे ज्यादा, तो अब हम देखते हैं ये वाली मैट्रिक्स में पूरी एक रो जीरो है, तो हम इसमें क्या भूलेंगे कि इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ऐसे केस में जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अगर कभी किसी हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं और रो ऑपरेशन लगाओ चाहे कॉलम ऑपरेशन, अगर पूरा रो या पूरा कॉलम जीरो हो जाता है ओवरऑल, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं बचता, तो हम ऐसी मैट्रिसेस को क्या बोल देते हैं, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो दिस इम्प्लाई यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस ऑल रो इज जीरो, फुल रो इज जीरो, रो सेकेंड इज जीरो, रो सेकेंड इज जीरो रो, ये पूरी की पूरी जीरो रो बन गई है, दैट्स व्हाई। सो गिवन मैट्रिक्स का हमें क्या नहीं मिलेगा, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। सो ए इनवर्स, उसको मैंने ये ऐड किया था, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने यहां पर क्या सीखा इस वाले क्वेश्चन से कि अगर हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं एज इट इज, रो ऑपरेशन हो चाहे कॉलम ऑपरेशन हो, और अप्लाई करते करते क्या हो जाए, पूरी रो जीरो हो जाए या पूरा कॉलम जीरो हो जाए, तो हम वहां से क्या कह सकते हैं, एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स दी होगी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्लीज नोट डाउन, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले के सारे क्वेश्चन सब आप कर सकते हैं क्योंकि आपको रो ऑपरेशन लगाना आ गया है, कॉलम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ ही कब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कोई रो पूरी तरह से जीरो हो जाए या कॉलम पूरा जीरो हो जाए तो हम वहां पर क्या कह सकते हैं, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर हमारा सारा फिनिश होता है। तो एक क्वेश्चन इस बार हम करके देखते हैं जिसमें हम लगा रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो ट्राई करते हैं इसको कैसे करते हैं। तो हम पहले तो a इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, आई ए, क्योंकि रो ऑपरेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रीवियस मल्टीप्लीकेशन होती है। a इज 2 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 2। आइडेंटिटी इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड a will be as it is। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं बताना चाहूंगी, अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी के आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं RCO, तो हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं। लेकिन हम इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं जिससे ये कभी गलत ना हो, तो उसके लिए पैटर्न है। अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो सबसे पहला काम होता है इस वाली टर्म को वन बनाना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट क्या होता है, वन। अब रो ऑपरेशन अगर लगाते हैं तो उसके नीचे जीरो बनाने होता है, जो एलिमेंट वन बनाया उसके नीचे जीरो। तो पहला एलिमेंट वन बनाया उसके नीचे हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, जीरो। तो ये दोनों जीरो बना लेंगे, जैसे ये दोनों जीरो बन जाएंगे उसके बाद हम चेक करते हैं वन कहाँ पर आते हैं, मिड में। तो हम कोशिश करते हैं इस वाली टर्म को वन बनाने की, फिर उसके ऊपर जीरो उसके नीचे जीरो। सिमिलरली
जब ऊपर नीचे जीरो बन जाता है फिर हमारा थर्ड टर्म आता है किसको वन बनाना, इस वाली टर्म को वन बना के उसके ऊपर के दोनों टर्म जीरो बनाना। तो रो ऑपरेशन में अगर हम इसी पैटर्न से चलेंगे तो इनवर्स कभी भी गलत नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो हम ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए आई, जिसमें हम कैसे करेंगे, सेम वे हम यहाँ पर वन बनाएंगे, पहले सबसे पहले वन बनाएंगे इस वाली टर्म को वन बनाने के लिए, के बाद अब हम नीचे जीरो नहीं बनाएंगे क्योंकि रो ऑपरेशन में तो रो वाइज सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए हमें नीचे जीरो बनाने पड़ते हैं। लेकिन कॉलम में हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए अब हमें इस वन के बाद यहाँ पर साइड वाले जीरोस बनाने होते हैं। ये राइट साइड जीरोस हो गए उसके, वन के इधर वाले दोनों जीरोस हम बनाएंगे। उसके बाद सेम हम मिड वाला वन बनाएंगे, ये वाला वन बनाने के बाद अब रो में तो ऊपर नीचे जीरो बनाते थे, कॉलम में आगे और पीछे दोनों जीरो बनाएंगे। सिमिलरली इसको वन बनाने के बाद इसके आगे वाले दोनों जीरो बनाएंगे। तो अगर हम रो वाइज चलेंगे तो हम ऊपर नीचे वाले जीरो बनाएंगे क्योंकि रो ऊपर से नीचे लगता है, नीचे से ऊपर लगता है, लेकिन कॉलम साइड वाइज लगता है, तो इसलिए हम वन के पहले साइड में जीरो, आगे पीछे जीरो, इस टाइप से अप्लाई करेंगे। लेकिन हम तो अब स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या करेंगे, हम इस वाली टर्म को वन बनाएंगे। तो कैसे बनेगा ये वन, अगर हम टू से डिवाइड कर दें तो हम क्या करने जा रहे हैं, आर वन गोज टू आर वन, वन बाई टू की मल्टीप्लाई, जिसे हम टू का डिवाइड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। और जो ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे वो इधर भी लगाएंगे, तो लगाते हैं तो ये जगह वन माइनस थ्री बाय टू थ्री बाय टू, देन टू टू थ्री, इन पर कोई चेंजेस नहीं होगा रो टू रो थ्री पर, तो वो एज इट इज। सिमिलरली अब हमने रो वन में किसकी मल्टी डिवाइड किया था, वन बाय टू का, तो ये वन बाय टू, बाकी के सारे टर्म सेम, सेकेंड रो इज सेम, थर्ड रो इज ऑल्सो सेम, क्योंकि जीरो पर वन बाई टू का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये आ गया हमारे पास ये। अब हमने बताया रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, इस वन को बनाने के बाद नीचे वाले दोनों जीरो बनाते हैं, तो हम इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे। पहले हम बना लें टू को जीरो, तो कैसे बनाएंगे, आर टू में चेंजेस करेंगे हम, आर टू गोज टू आर टू माइनस टू आर वन, तो हम क्या करेंगे टू की मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है, फर्स्ट रो इज सेम, फर्स्ट रो में नो चेंजेस, सिमिलरली थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज लिख लेते हैं। अब टू की मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, टू की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टू टू कट जाएगा, तो ये माइनस थ्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइव हो जाएगा, टू माइनस माइनस थ्री विल बी फाइव। सिमिलरली टू की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, थ्री माइनस थ्री विल बी जीरो। जो ऑपरेशन हमने इधर अप्लाई किया वही सेम ऑपरेशन हम इधर भी अप्लाई करेंगे, तो R2 में से पहले तो R1 इज सेम उसको लिखेंगे, R3 इज ऑल्सो सेम उसको भी लिखेंगे, A में कोई चेंजेस होता ही नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 को अगर 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी माइनस 1, 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 दैट विल बी 1 और 0 विल बी 0। तो ये आ गया हमारा सेकेंड ऑपरेशन। सिमिलरली हम किसको जीरो बनाएंगे, इस वाले थ्री को जीरो बनाएंगे, तो थर्ड रो क्या करेंगे हम, आर थ्री में चेंजेस करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे, आर थ्री में आर वन में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री आर वन, अगर हम इसमें थ्री की मल्टीप्लाई करते इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा हमारा काम। तो करके देखते हैं कैसे होगा, फर्स्ट और सेकेंड रो विल बी सेम, ये हमारे पास सेम रहेगी जीरो फाइव जीरो, और इसमें थ्री की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बिकम जीरो, थ्री की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पर थ्री थ्री नाइन, नाइन बाई टू, तो दैट विल बी माइनस टू, और सब्ट्रैक्ट कर रहे तो प्लस हो जाएगा नाइन बाय टू, क्योंकि हमने थ्री की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, फिर से थ्री की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस नाइन बाई टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस नाइन बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। अब हम देखते हैं सेम
थर्ड रो में चेंजेस किए, तो फर्स्ट और सेकेंड रो पहले एज इट इज लिख लेते हैं, हाफ जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो, ए बी एज इट इज, थर्ड रो में चेंजेस क्या किया था हमने, थ्री की मल्टीप्लाई की थी तो थ्री बाई टू हो जाएगी, इसे जीरो में से सेपरेट करेंगे तो दैट विल बी माइनस थ्री बाई टू। सिमिलरली थ्री की मल्टीप्लाई करके सेपरेट जीरो पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो दैट विल बी वन। तो देखो ये क्या बना हमारे पास, वन जीरो जीरो माइनस थ्री बाई टू, फाइव इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी फाइव बाई टू एंड थ्री बाई टू जीरो एंड फोर माइनस नाइन बाई टू विल बी माइनस फाइव बाई टू। तो हमारे पास आगे ये था एज इट इज, हाफ जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस थ्री बाई टू जीरो एंड वन, ये आ गया। अब हमारे पास है, मैंने बताया था वन के नीचे दोनों जीरो बनाने के बाद हमारा काम आता है मिड वाला वन बनाना, तो अगर हम इस फाइव को वन बनाएंगे तो हमें फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा रो में, तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं आर टू गोज टू आर टू वन बाय फाइव की मल्टीप्लाई, या फिर कह सकते हैं फाइव पर डिवाइड। तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फर्स्ट रो थर्ड रो विल बी सेम, ये जीरो जीरो रहेगा, ये वन हो जाएगा फाइव पर डिवाइड होने से, जीरो फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू, और इधर की साइड क्या चेंज होगा, ये माइनस, ये तो वन बाई टू जीरो जीरो सेम, थर्ड रो भी सेम रहेगी, चेंजेस किस में हुआ, सेकेंड रो में कितना वन बाय फाइव, तो दैट विल बिकम माइनस वन बाय फाइव, वन बाय फाइव एंड जीरो, सिंपल। अब ये जीरो बन गया, ये वन बन गया हमारा। अब मैंने बताया था वन के ऊपर जीरो, वन के नीचे जीरो, तो वन के ऊपर जीरो बनाने के लिए अगर हम थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में एड कर दे तो हो जाएगा जीरो, तो अप्लाई करते हैं रो वन में चेंजेस। रो वन में हम क्या करने जा रहे हैं, एड करने जा रहे हैं किसको, थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करके रो टू को, थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करके एड करेंगे तो ऊपर वाला जीरो हो जाएगा। तो चेक करते हैं, वन जीरो जीरो, इन पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करके एड करेंगे क्योंकि इसमें थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करके एड करते जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें नो चेंजेस। लेकिन इसमें थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करके जब हम एड करेंगे तो दैट विल बिकम जीरो, और बाकी के दो रोज सेम रहेंगे, फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू। और चेंजेस किसमें हुआ, अब देखो जीरो में भी अगर हम थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करके एड करेंगे तो नो चेंजेस, तो वो थ्री बाई टू ही रहेगा। नेक्स्ट, अब सेम अप्लाई करना है हमें इधर की साइड भी, तो रो वन में चेंजेस होगा, बाकी के दोनों रोज लिख लेते पहले, वन बाय फाइव वन बाय फाइव जीरो, ए माइनस थ्री बाई टू जीरो वन। अब हमें क्या करना है, सिर्फ थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में एड करना है, तो अगर थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, थ्री बाई टेन, माइनस का थ्री बाई टेन ऊपर एड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ माइनस थ्री बाई टेन, तो यह आया पहला एलिमेंट। सिमिलरली ये बनेगा थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करके थ्री बाई टेन, जीरो में एड करेंगे तो वो रहेगा एज इट इज थ्री बाय टेन, और जीरो जीरो वाला कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखो ये कन्वर्ट हो जाएगी, पहले नोट कर लेते हैं फिर मैं यहां से रब करके बताती हूँ, प्लीज नोट डाउन। हाँ तो अब हम करते हैं, यहां से मैं रब कर देती हूँ, तो हमारे पास बचाइए इसको अगर सॉल्व करेंगे, टेन एलसीएम फाइव माइनस थ्री टू बाई टेन विच इज इक्वल टू वन बाय फाइव, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पहले तो वन जीरो थ्री बाई टू जीरो वन जीरो जीरो फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू इक्वल्स टू वॉट, अभी बताया माइनस टू बाई टेन, नहीं सॉरी फाइव माइनस थ्री बाय एलसीएम जब हम लेंगे टेन एलसीएम लेंगे तो ये होगा फाइव माइनस थ्री यानी कि टू बाई टेन वन बाय फाइव लिख सकते हैं हम, दिस विल बी थ्री बाय टेन एंड जीरो, ए विल बी सेम माइनस वन बाय फाइव वन बाय फाइव जीरो माइनस थ्री बाय टू जीरो एंड वन, तो हमारे पास आ जाता है ये
अब हम क्या करेंगे, इससे नीचे जीरो बनाएंगे, ऊपर तो जीरो बना लिया, नीचे जीरो बनाने के लिए हम R3 में चेंजेस करेंगे, कैसे, R3 - 5/2 R2, 5/2 की मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 3/2, नो चेंजेस रो, क्या चेंज है इसमें, 1 में से हम क्या कर रहे हैं, R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 में क्या चेंज कर रहे हैं, 5/2, R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलते 0, अब इसमें 5/2 की मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बिकम 0, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करो नो चेंजेस, तो दैट विल बी -5/2। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड रो में नो चेंजेस, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/10 0 माइनस का 1/5 0 देन, अब क्या करना है हमें, इसमें 5/2 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस का 1/2 अगर हम माइनस के 3/2 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा 1/2, राइट। अब सिमिलरली फिर से 5/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी हाफ, 0 में से हाफ सबट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी -1/2 और इसमें कोई चेंजेस आए नहीं तो ये आ जाएगा 1। अब हमारा काम है इस वाली टर्म को 1 बनाना, इसको 1 बनाना, ऊपर दोनों जीरोस बनाना, और इसको 1 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं हम, यहाँ पर मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पर -3 + 1 2 एलसीएम, तो -2/2 दैट विल बी -1, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा -1। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए हम अगर R3 goes to माइनस का 2/5 R3 कर दे, R3 में अगर माइनस का 2/5 की मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो क्या चेंजेस होगा, ये 2 रो सेम रहेगी, 3/2 0 1 0, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले 0 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बिकम 1। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड रो विल बी सेम, 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0, क्या किया था हमने, -2/5 की मल्टीप्लाई की थी, तो देखते हैं अगर इसमें सॉरी R3 में -2/5 की मल्टीप्लाई की थी, अब इसमें -2/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 × 2/5 विल बी 2/5, यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो दैट विल बिकम 1/5 एंड 1 में करेंगे तो दैट विल बी -2/5, तो हमारा ये आ जाता है और ए विल बी सेम। अब बस हमारा आइडेंटिटी बनने में एक ही स्टेप रह गया है, इस वाली टर्म को जीरो बनाना, तो रो के थ्रू इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर लेते तो 0 बन जाएगा, वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उससे पहले प्लीज नोट डाउन, मैं यहां से रब कर देती हूँ ये, हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है हम लगा रहे R1 goes to कितना, अगर हम इसमें R1 - 3/2 R3 मतलब रो 3 में अगर हम 3/2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा हमारा काम, ये कितना बचेगा फिर, ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि एक ही टर्म थी वो हमने सबट्रैक्ट कर दी तो वो भी 0 हो गया, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। सेम फर्स्ट रो में चेंजेस, पहले दो रो लिख लेते जिसमें नो चेंजेस है, सेकेंड एंड थर्ड रो 1/5 1/5 0 देन 2/5 1/5 -2/5 एंड देन ए। अब रो में ए में कैसे चेंज करें, रो वन में से हमें सबट्रैक्ट करना है 1/5 माइनस, ये मैं अलग से करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, फिर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर हम करते हैं रो वन 1/5 था, यहाँ पर ये एलिमेंट क्या है 1/5, उसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है क्या,
थ्री बाय टू की मल्टीप्लाई किस में करके, टू बाय फाइव में करके, तो टू बाय फाइव में मल्टीप्लाई करके किसकी, थ्री बाय टू की मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है, तो दैट विल बी टू से टू कैंसिल, ये आ जाएगा वन बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव, एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी माइनस टू बाय फाइव, तो यहां पर आ जाएगा माइनस टू बाय फाइव, करेक्ट। नेक्स्ट सिमिलरली अब ये वाला टर्म लेंगे थ्री बाय टेन में से हमें सेपरेट करना है थ्री बाय टू की मल्टीप्लाई करके इसमें वन बाय फाइव में, वन बाय फाइव में, तो देखते हैं क्या आता है, ये भी टेन एलसीएम और यहां पे आ जाएगा थ्री माइनस थ्री, तो दैट विल बिकम जीरो, तो ये टर्म हमें दिख रही है जीरो आते हुए। नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्ड टर्म जीरो माइनस क्या, थ्री बाय टू की मल्टीप्लाई करती किस में, माइनस टू बाय फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आते हुए दिख रहा है थ्री बाय फाइव, तो यहां पर थ्री बाय फाइव होगा, तो हमने देखा, मैं ये रब कर देती हूँ, कैलकुलेशंस थी ये रफ कैलकुलेशंस, तो इसको रब कर देते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारा बनते हुए दिखा आई इज इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को अगर बी मैट्रिक्स बोल दे तो बी है, अगर ये वाला फॉर्म आ जाता है, मैंने आप लोगों को बताया ही है, हम यहाँ पर बोल देते हैं कि ए का इनवर्स कौन है, बी, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, विच इज द मैट्रिक्स, कौन सी वाली, माइनस टू बाय फाइव जीरो, थ्री बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव, वन बाय फाइव जीरो, टू बाय फाइव वन बाय फाइव एंड माइनस का टू बाय फाइव, तो दैट विल बी द लास्ट आंसर, प्लीज नोट डाउन। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश होता है, 16th एंड 17th इज ऑल्सो सेम, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं वो लगाइए, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं वो भी ट्राई कीजिए, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी स्पेसिफिकली आ जाता है यू कैन यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो दोनों ही तरह के ऑपरेशन आपको आने चाहिए, तो कॉलम ऑपरेशन का वे भी मैंने बताया, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट रहते क्वेश्चन नंबर 18 विच इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें लिखा है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, इतनी देर से यही तो रिजल्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे का इनवर्स कब होते हैं, ए और बी, ए और बी एक दूसरे का इनवर्स होते हैं अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इतनी देर से यही हम हर एक क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है दूसरे मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स बोल देते हैं और एक ए मैट्रिक्स को हम एज इट इज लेकर चलते हैं, ये था रो ऑपरेशन में, कॉलम ऑपरेशन में तो बी ए इज इक्वल्स टू आई आ गया रो में, कॉलम में हम क्या करते हैं ए इज इक्वल्स टू ए आई लेकर चलते हैं और इसको आइडेंटिटी बना देते हैं, ये ए एज इट इज रहता है ये बी बन जाता है, तो देखो ए बी इज इक्वल्स टू आई आ जाता है, तो हम बार बार यही रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं कि ए बी और बी इज इक्वल्स टू अगर आई आ जाता है तो ए का इनवर्स बी मैट्रिक्स बन जाती है, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि बी का इनवर्स ए मैट्रिक्स बन जाती है, फिलहाल तो हम जो मैट्रिक्स है वो ए लेकर चल रहे हैं तो इसलिए उसी का इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो ए का इनवर्स कौन हो जाती है बी मैट्रिक्स। सो ये एक्सरसाइज 3.4 हमारी यही फिनिश होती है, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें यूज कैसे करने हैं और जो पैटर्न मैंने बनाया अगर आप उसी वे में चलेंगे, हमें चलना ही उसी वे में होता है, तो हमारे से ए इनवर्स निकालने में कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो उसको प्लीज फॉलो करें, और अगर भी अभी भी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।